Hello and welcome to Technically Explained. In the Prepare Gate General in 21 Days series, this is lecture number 13. In this lecture number 13, we are going to study synonyms. So let us start. Number 1, horrendous. Horrendous ka matlab hai horrifying, horrific. Ye ek negative word hai. Aapke paas options given hai very huge, B greatly unpleasant, C mildly sincere, D most pleasant. Iska jo right answer hai wo aapke paas greatly unpleasant hai. नेक्स्ट ऑथेंटिक, जैसे हम कहते हैं ना ऑथेंटिक हदीथ, तो ऑथेंटिक हदीथ का मतलब होता है जेन्युइन हदीथ, तो इसलिए ये जो बी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है, ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन. नेक्स्ट रेक्टिफाई, देखिए हम अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स. पाकिस्तानी बैट्समैन जब अच्छा नहीं खेल पाते वो कहते हैं वी विल रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स इन नेक्स्ट मैच, हमेशा यही कहते हैं. तो रेक्टिफाई का मतलब है ठीक कर देना, तो इसका जो सिनोनिम है वो आपके पास करेक्ट है. नेक्स्ट मेराकुलस, मेराकुलस एक पॉजिटिव वर्ड है, जब आप किसी की तारीफ करते हैं तब ये वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसका सिनोनिम आपके पास अमेजिंग या वंडरफुल है, तो ये जो सी ऑप्शन है वो ठीक है. नेक्स्ट है प्रोडिगल, प्रोडिगल कहते हैं वेस्टफुल को, एक्सट्रेविगेंट को, जो फजूल खर्ची करता है, फजूल में रिसोर्सेज वेस्ट करता है या फजूल में पैसे खर्च करता है, तो इधर जो आपके पास राइट आंसर है वो आपके पास वेस्टफुल यानी के ए है. नेक्स्ट वारंटी, अच्छा एक होता है अरेस्ट वारंट, वारंट जो होता है वो ऑर्डर फॉर अरेस्ट होता है, वारंटी जो होती है वो बेसिकली गारंटी का सिनोनिम है, तो इधर आपके पास जो बी ऑप्शन है वो ठीक है. नेक्स्ट है जी कोर्स, कोर्स कहते हैं रफ को, जैसे हम सुनते हैं कोर्स पिच, तो रफ पिच क्रिकेट में हम सुनते हैं ना कि ये पिच कोर्स है, तो मतलब ये कि ये पिच रफ है, कोर्स सरफेस यानी के रफ सरफेस, तो आपके पास ए ऑप्शन इसका ठीक है. नेक्स्ट है जी जुडिशियस, जुडिशियस कहते हैं वाइज बंदे को, सेंसिबल बंदे को, ठीक है, जो सोच समझ के फैसला लेता है, सोच समझ के काम करता है, तो इधर जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है, सेंसिबल. नेक्स्ट रिसिपियंट, ये तो काफ़ी ईजी है, रिसिपियंट रिसीवर को कहते हैं, डोनर इसका ऑपोजिट है, रिसीवर इसका सिनोनिम है, इधर आपके पास जो सी ऑप्शन है वो ठीक है. नेक्स्ट ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट कहते हैं स्टबन को, जो किसी की नहीं सुनता, अपनी मनमानी करता है, ठीक है, तो इधर आपके पास राइट ऑप्शन स्टबन है, ठीक है जी, जो अपनी बात पे अटका रहता है, दूसरी की बात नहीं सुनता, अपनी फैसले करता है, कि नहीं मैं ही ठीक हूँ. कुछ लोग होते हैं जो गलत साबित होने पर भी कहते हैं कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, मैं सब कुछ ठीक करता हूँ, तो वो लोग स्टबन होते हैं, वो लोग चेंज नहीं करते अपना अप्रोच, तो ऑब्स्टिनेट स्टबर्न को कहते हैं. एफ्लुएंट कहते हैं वेल्दी को, जिसके पास पैसे ज़्यादा हो, जो मालदार हो, तो एफ्लुएंट का सिनोनिम आपके पास वेल्दी है. नेक्स्ट है लुक्रेटिव, लुक्रेटिव कहते हैं प्रॉफिटेबल को, जैसे हम कहते हैं ना दिस डील इज़ लुक्रेटिव, आपने किसी के साथ डील कर ली तो आप कहते हैं दिस डील इज़ लुक्रेटिव, यानी कि ये जो डील है वो फ़ायदेमंद है, तो प्रॉफिटेबल इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट एनोमली, एनोमली कहते हैं एबनॉर्मिलिटी को, ठीक है, तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो इरेगुलरिटी यानी के बी है. नेक्स्ट ग्लूमी, अच्छा ग्लूमी यूजुअली यूज होता है सैड के लिए, व्हाई आर यू ग्लूमी टुडे, आज आप क्यों परेशान हैं. ग्लूमी वैसे वर्ड निकला है डार्कनेस, अब डार्कनेस जो है ना वो सैडनेस की अलामत है, तो ग्लूमी का सिनोनिम आपके पास इधर सैड है. नेक्स्ट है ग्रूसम को, ग्रूसम कहते हैं जी प्राइडफुल को, तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास सी है. नेक्स्ट है कॉनसर, कॉनसर कहते हैं जी माहिर बंदे को, एक्सपर्ट बंदे को, तो इधर जो क्लोज ऑप्शन है वो आपके पास सी है, लवर ऑफ आर्ट. बिमून, बिमून कहते हैं कि जी सैडनेस दिखाना, किसी बारे में उदास हो जाना, तो ये जो लेमेंट है ये इसका राइट आंसर है, बिमून का सिनोनिम आपके पास लेमेंट हो गया, ठीक है जी. डिफाई, अच्छा अब डिफाई में इधर आई मौजूद है, ये डिफाई कहते हैं डीप रिस्पेक्ट को, वर्शिप करना या बहुत ज़्यादा इज्जत देना, अगर आपके पास आई ना होता, डी ई एफ आई होता, तो उसका मतलब होता है डिनाई, लेकिन इधर आई मौजूद है, आई मौजूद होने की वजह से इसका मतलब चेंज हो गया, अंग्रेजी है, एक वर्ड लगाने से, एक लेटर लगाने से मतलब चेंज हो जाता है. डी ई एफ आई का मतलब है डिनाई, डी ई आई एफ वाई का मतलब है डीप रिस्पेक्ट, बिल्कुल एक नेगेटिव वर्ड है और एक पॉजिटिव वर्ड है,
डिफाई का सिनोनिम आपके पास डीप रिस्पेक्ट है। नेक्स्ट है जी मोरीबंड, मोरीबंड का सिनोनिम आपके पास डाइंग है, इसका आपके पास राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है जी ईगर, ईगर कहते हैं क्यूरियस को, इसलिए इधर जो राइट आंसर है वो आपके पास ए है। नेक्स्ट इम्पिशियस, अच्छा ये जो वर्ड है ना आप इसको देख सकते हैं कि ये बेसिकली इम्पल्स से निकला है, यानी इम्पल्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो वाकया हो जाता है उसको इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स का आपके पास, इम्पल्स से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इम्पिशियस का मतलब है रैश, रैश यानी कि जल्दी, तो इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। सीरीन कहते हैं काम को, ठीक है जी, सीरीन का मतलब है काम, तो ए ऑप्शन आपका ठीक है। ऑब्लिगेटरी कहते हैं रिक्वायर्ड को, ठीक है, जो मैंडेटरी होता है, तो आपके पास ये जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। प्लेसिड, अगेन प्लेसिड भी काम को कहते हैं, तो इसलिए आपके पास इधर जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट सवाल सिनोनिम्स ऑफ ग्रेस, सिनोनिम्स ऑफ ग्रेस में एलिगेंस भी हो सकता है, चार्म भी हो सकता है, डिग्निफाई भी हो सकता है, ऑनर या ऑनरेबल भी हो सकता है, और नोबल भी हो सकता है, तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स ऑफ ग्रेस हैं। सिनोनिम्स ऑफ एडामेंट, एडामेंट कहते हैं जी अटल को, तो इसके जो सिनोनिम्स है वो आपके पास रिजिड भी हो सकता है, फेम, रिजॉल्व, डिटरमाइंड, तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स ऑफ एडामेंट है। सिनोनिम्स ऑफ गैदर, गैदर के सिनोनिम कॉन्क्रीगेट, कलेक्ट, असेंबल, अक्यूमुलेट, ये सारे 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 के सारे गैदर सिनोनिम ऑफ विजडम, विजडम कहते हैं अकलमंदी को, समझदारी को, तो इसका जो सिनोनिम है वो सैगेसिटी है, तो इसलिए आपके पास सैगेसिटी राइट आंसर है। सिनोनिम सिमिलर वर्ड को कहते हैं, इग्नोरेंस जहालत को कहते हैं, तो वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट कहते हैं जब्त कर लेना, कब्जे में लेना, तो इसका राइट आंसर आपके पास सीज है, क्योंकि सीज भी जब्त करने को कहते हैं और कब्जे में लेने को। ऑफ एबोर, एबोर कहते हैं हेट को, एक्सट्रीम डिसलाइक को, नफरत को कहते हैं, तो इसका सिनोनिम आपके पास हेट हो गया। नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ डिस्टेंट, डिस्टेंट डिस्टेंस से निकला है, डिस्टेंट का मतलब दूर, तो जो ये जो फार है ये इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम ऑफ लूथ, अच्छा अगर इसके साथ ई होता एंड में तो फिर ये हेट या डिसलाइक को कहता, सही, अब ई नहीं है तो ये कहते हैं जी रिलेक्टेंट को, इसका सिनोनिम आपके पास हो सकता है जी रिलेक्टेंट, इसी तरह हेजिटेंट भी आपके पास इसका सिनोनिम हो सकता है, हेजिटेंट हो गया, अनविलिंग हो गया, सही, डिस्क्लाइंट हो गया, तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन हो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम ऑफ एंजॉय, एंजॉय तो कॉमन वर्ड है, इसके सिनोनिम्स आप कह लीजिए लाइक हो गया, लव हो गया, फॉन्ड हो गया, सही, बी फॉन्ड ऑफ कह लें, इसके अलावा आप कह सकते हैं बी अम्यूज्ड ऑफ, तो ये सारे के सारे एंजॉय के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम ऑफ एक्सप्रेस, एक्सप्रेस के जो सिनोनिम है आप कह लें कि जी रिवील हो गया, इसी तरह शो हो गया, कॉन्वे हो गया, ये सारे के सारे एक्सप्रेस के सिनोनिम्स है, कम्युनिकेट भी इसका सिनोनिम है, सही, तो ये एक्सप्रेस के सिनोनिम्स हैं, इसी तरह डिमोन्स्ट्रेट भी एक्सप्रेस का सिनोनिम है, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो आप उसमें देख लें ऑप्शन, कोई ना कोई इससे मिलता जुलता वर्ड या यही वर्ड होगा उसको आप टिक कर सकते हैं। सिनोनिम ऑफ पीक, अच्छा पीक कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट को, तो इसका सिनोनिम समिट भी हो सकता है, पिनिकल भी हो सकता है, पिनिकल भी हाईएस्ट पॉइंट को कहते हैं, इसी तरह माउंटेन टॉप भी इसका सिनोनिम हो सकता है, माउंटेन टॉप, क्रेस्ट भी इसका सिनोनिम हो सकता है, तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं, टॉप भी इसका सिनोनिम है, टॉप मोस्ट या टॉप, तो ये सारे पीक के सिनोनिम्स हैं। कॉन्कॉर्ड कहते हैं जी एग्रीमेंट को, तो जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट हो गया, हारमनी हो गई, ये सारे के सारे कॉन्कॉर्ड के सिनोनिम्स हैं, सही, एकॉर्ड हो गया, तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कॉन्कॉर्ड। नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ डिनिग्रेट, डिनिग्रेट कहते हैं बुरा भला कहना, बेइज्जत करना, तो इसका सिनोनिम आपके पास बिलिटल है, बिलिटल भी कहते हैं बुरा भला कहना, इसी तरह आपके पास डिस्परेज इसका सिनोनिम है, स्पीक इल ऑफ आप कह सकते हैं इसका सिनोनिम है, इसी तरह डिक्राई इसका सिनोनिम है, तो इससे मिलते जुलते जितने भी वर्ड्स हैं वो इसके सिनोनिम्स हैं।
सिनोनिम ऑफ हॉस्टाइल, सिनोनिम ऑफ हॉस्टाइल आपके पास अनकाइंड हो सकता है, अनफ्रेंडली हो सकता है, इसी तरह एग्रेसिव भी हो सकता है, बेलिजरेंट हो सकता है, बेलिजरेंट भी इसका एक सिनोनिम है, इसी तरह बेलिकॉस जो कि बेलिजरेंट से मिलता जुलता वर्ड है वो भी इसका सिनोनिम हो सकता है, कम्बेटिव, तो ये सारे के सारे जो हैं ये इसके सिनोनिम्स हैं।